हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग हीमोफीलिया व वड़ांधता और जो हम लोगों का था ऑटोसोमल डिजीज उसके बारे में पढ़ लिए थे। यह हम लोगों का अनुवांशिक विकार का पार्ट 2 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जो गुणसूत्री विकार था उसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, अब जो हम लोग पढ़ेंगे पहला है हम लोगों का डाउन सिंड्रोम। तो इसमें पहले हम लोग लिखते हैं गाइस, इसको बड़े में लिखते हैं क्योंकि अभी इसमें पॉइंट लिखना है। जो गाइस यह है, इसका खोज लैंगडम डाउन 1866 ईस्वी में किए थे। गाइज, इसमें जो पहला टॉपिक है वह है इसका खोज लैंगडम डाउन 1866 ईस्वी में किए थे। दूसरा, यह गुणसूत्री विकार होता है। यह गुणसूत्री विकार होता है। यह गुणसूत्री विकार होता है। और तीसरा, इस विकार में 21वें गुणसूत्र पर में त्रिसूत्रता हो जाता है। गाइस, जिस यह है 21वें गुणसूत्र में त्रिसूत्रता का मतलब जो 21वां गुणसूत्र होगा वहां पर एक्स एक्स वाई एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाएगा। चौथा, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या गाइस, यह हो गया हम लोगों का डाउन सिंड्रोम के बारे में। गाइस, इसमें जो डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाता है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है और जो इससे ग्रसित व्यक्ति या इससे ग्रसित शेषो 12 से 14 वर्ष तक ही जीवित रहता है। 12 से 14 वर्ष तक ही जीवित रहता है। और गाइस, यह जो डिजीज होता है यह 700 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को होता है। यह 700 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को होता है। और गाइस, अब आइए हम लोग इसके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। लक्षण इसका क्या होता है? गाइज, इस प्रकार के डिजीज में जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है उसमें उनकी आंखें तिरछी होती हैं। तिरछी आंखें, हाथों पर रेखाएं, और जो तीसरा होगा, पहला तिरछी आंखें, हाथों पर रेखाएं और छोटा कद। इस प्रकार के विकार से ग्रसित व्यक्ति छोटे कद के होते हैं। और मोटा जीभ। गाइस, यह हो गया हम लोगों का पूरा
डाउन सिंड्रोम के बारे में। पहला डाउन सिंड्रोम का खोज लैंगडम डाउन ने 1866 ईस्वी में किए थे। दूसरा यह गुणसूत्री विकार होता है। इस विकार में एक ऐसा में गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाता है, मतलब एक ऐसा गुणसूत्र जो एक्स एक्स रहेगा उसमें एक एक्स और आ जाएगा और इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। और इसमें जो यह विकार होता है प्रति 700 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को होता है। और जो इसका लक्षण है, इस प्रकार के विकार से ग्रसित व्यक्ति की आंखें तिरछी होती हैं तथा वह छोटा कद का होता है तथा उसके जीभें मोटी होती हैं, वह उनके हथेली पर रेखाएं पाई जाती हैं, हाथों में रेखाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर हाथों पर ऐसे तमाम प्रकार की रेखाएं पाई जाएंगी। अब इसके पश्चात गाइस जो अब हम लोगों का है वह है टर्नर सिंड्रोम। गाइस यह हो गया हम लोगों का डाउन सिंड्रोम। अब हम लोग पढ़, और गाइस एक बात और, डाउन सिंड्रोम का हम लोग मंगोलियन जड़ता गाइस जो हम लोगों का डाउन सिंड्रोम है इसे हम लोग मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जानते हैं। यह हो गया गाइस हम लोगों का डाउन सिंड्रोम। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो गाइस टर्नर सिंड्रोम होता है जो यह मादा में होता है। दूसरा यह गुणसूत्री विकार है। और गाय तीसरा, इसमें जो मादा के गुणसूत्र होता है, जो लिंग को निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है। गाइस इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो चौथा हो गया, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कुल गुणसूत्र 45 होते हैं। गाइस यह हो गया, इसमें कुल गुणसूत्र 45 होते हैं। और गाइस जो पांचवा यह जो लक्षण होता है, यह 5000 में से केवल एक व्यक्ति को होता है। 5000 में से केवल एक महिला, यह विकार मादा में पाया जाता है, तो केवल एक महिला को होगा। गाइस यह होता है जो 5000 महिलाओं में से एक महिला को होता है। इसके लक्षण बंधता का होता है, बंधता। गाइस यह जो डिजीज जिस मादा के अंदर पाया जाता है वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती है, तो गाइस यह हो गया टर्नर सिंड्रोम। अगर हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में कोई पूछता है तो हम लोग यही बताएंगे, यह मादा में होता है, यह गुणसूत्री विकार है, इसमें लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्रों की जगह एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाता है। और इसके लक्षण इस प्रकार से व्यक्ति जो इस प्रकार से महिला ग्रसित होती है वह बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती है। जो यह लिंग गुणसूत्र वाले की कमी, मतलब जैसे 22XX हो गया, और जो लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र है वो तो यही है, तो यहाँ से एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, यहाँ पर एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। तो गाइस इस प्रकार के व्यक्ति को बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इस प्रकार के व्यक्ति, और इसमें
जो होता है लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसमें टोटली गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाता है। इसके पश्चात गाइज आप जो हम लोगों का है वह है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। गाइज एक बार फिर से टर्नर सिंड्रोम के बारे में, यह मादा में होता है, यह नर में नहीं पाया जाएगा और इसमें यह गुणसूत्री विकार है, और तीसरा इसमें लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, चौथा इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होता है, पांचवा प्रति 5000 महिलाओं में से इससे ग्रसित एक महिला होती है। फिर इसके पश्चात गाइस अब हम लोगों का है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तब तक गाइस हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में बता दें। टर्नर सिंड्रोम को याद करने का तरीका होता है टफिल। टफिल गाइस ट से हो जाएगा टर्नर, टर्नर और यफ से हो जाएगा फीमेल में फीमेल, और यल से लेस, लेस मतलब अभाव या कमी अभाव। गाइस इससे यह हुआ टोफिल, टोफिल से हो जाएगा टी से टर्नर सिंड्रोम, और या फिर से हो जाएगा फीमेल, मतलब यह जो पाया जाएगा या फीमेल में ही पाया जाएगा, और जो लेस, लेस मतलब अभाव, तो टोफिल टर्नर सिंड्रोम में जो मादा होती है इसमें एक गुणसूत्र का अभाव होता है। गाइस जो हो गया हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक। तो अब हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक है वह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो गाइस आइए अब हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस पहला यह नर में होता है, यह विकार नर में होता है, यह विकार नर में होता है। दूसरा यह विकार नर में होता है, यह गुणसूत्री विकार है, यह गुणसूत्री विकार है, यह गुणसूत्री विकार है। और गाइस जो तीसरा पॉइंट है इसमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें भी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो गाइज जो इसमें चौथा होगा इसमें कुल गुणसूत्र 47 हो जाएंगे, इसमें कुल गुणसूत्र, इसमें कुल गुणसूत्र 47 होते हैं। और गाइज इस प्रकार का जो लक्षण होता है या 1000 व्यक्ति में से, 1000 व्यक्ति में से केवल एक व्यक्ति को होता है, 1000 व्यक्ति में से केवल एक व्यक्ति को होता है। और गाइज जो इसका लक्षण होता है, जो इसका लक्षण होता है इस विकार या जो डिजीज होगा जो इससे इन्फेक्टेड मन मैन होगा वह कुप्रधान होगा, कुप्रधान होगा मतलब यह भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, यह कुप्रधान नर होगा, कुप्रधान नर। गाइस इसका लक्षण होता है कुप्रधान नर। और गाइस इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यह मतलब जैसे हो गया लिंग गुणसूत्र वाले में, जैसे 22x प्लस XXY। गाय जो यह गुणसूत्र की अधिकता होती है लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र में, लिंग निर्धारण में। गाइस जो गुणसूत्र की इसमें अधिकता होती है लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र में होती है, जैसे यह हो गया हम लोगों का ये तो सब में कॉमन होता है, लिंग निर्धारण इसी से होता है, तो इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। तो गाइस यह विकार नर में होता है, यह मादा में
कभी नहीं होगा। यह डिजीज केवल नर में होगा। दूसरा, यह गुणसूत्री विकार है। तीसरा, इसमें एक इसमें लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, या इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है जो लिंग निर्धारण करता है। चौथा, इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाता है। और जो पांचवा है, यह विकार 1000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को होता है। और जो हम लोगों का टर्नर सिंड्रोम है, यह 5000 महिलाओं में से केवल एक महिला को होता है। और जो हम लोगों का डाउन सिंड्रोम है, यह 700 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को होता है। और गाइस, यह जो हम लोगों का डाउन सिंड्रोम होता है, यह नर व मादा दोनों में पाया जा सकता है। और जो हम लोगों का टर्नर सिंड्रोम होता है, यह केवल फीमेल में पाया जाता है। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, यह केवल मेल में पाया जाता है। तो गाइस, इससे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, KMP। गाइस, कैसे हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यम से हो जाएगा मेल, और प्लस पी से हो जाएगा, प्लस का मतलब बढ़ना ज़्यादा। तो गाइज, KMP केस हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो यह हो गया शॉर्ट ट्रिक, KMP, के से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एम से मेल, पी से प्लस। तो हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और जो यह होता है टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में जो मादा होती है, इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और जो यह होता है, जो हम लोगों का डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें 21वें गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाता है, 21वें गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाता है। तो गाइस, यह हो गया पूरा हम लोगों का प्रक्रम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। गाइस, ये जो तीनों डिजीज होते हैं, ये गुणसूत्री विकार होते हैं। तो गाइस, यह एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछता है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। तो गाइस, आज का क्लास बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।